hey guys hi so it's really time for me to color my hair i mean look at this it's a mix of three shades there's black brown and some blonde it is looking terrible so when i colored brown color brown it looks so pretty but now that brown is going away so after 9 to 10 washes this is how it is looking pura brown color but overall i don't like it it's looking really bad so instead of coloring my hair in natural color i decided to have some fun by coloring my hair in plum oh yeah दैट सेम प्लम कलर जो मैंने डेढ़ साल पहले अप्लाई किया था बिकॉज आई रियली रियली लव सो हेयर कलर जार आई गोट जस्ट वन जार एंड जार इज नॉट इनफ इफ यूर हेर लेंथ एंड डेन्सिटी इज लाइक माइन देन यू आर गोइंग टू नीड टू जार्स टू कवर ऑल दी हेर सो लेट सेक्शन देंड आई डोंट हैल्स दिस टाइम तो मुझे कॉम यूज करना पड़ रहा है विच इज हार्ड यू नो विथ माई फेक नेल्स इट्स सो इजी एंड इफ यू डोंट नो दिस इज इस माई परमानेंट हेयर कलर और ये ब्लैक बालों पर नहीं दिखेगा इसे अप्लाई करने से पहले बालों को ब्लीच करना होता है पर यू कैन सी माई हेयर इज ऑलरेडी लिटिल प्री प्रीलाइटिन तो मेरे बालों पर कलर अप्लाई करने के बाद जो भी मेरे बाल ब्लैक है उस पर कलर नहीं दिखेगा पर जहाँ पर भी लाइटर कलर है उन हेयर स्ट्रांड सेक्शन पर कलर जरूर दिखेगा हर बार मैं हेयर कलर ब्रश से अप्लाई करना स्टार्ट करती हूँ देन आई इंस्टेंटली रिग्रेट इट बिकॉज इट टेक्स लॉन्ग टाइम एंड आई ऑलवेज एंड अप यूजिंग माई हैंड्स टू रियली गेट इन द बिकॉज इट इज ईजी सो लाइक आई मेशन वन जार इज नॉट इनफ इसलिए मैं काफी कंजूसी करते हुए हेयर कलर को अप्लाई कर रही हूँ पीछे के सेक्शन पर बहुत कम कलर यूज किया है सो दैट फ्रंट सेक्शन पर कलर कम ना पड़े एंड यू कैन सी आई हैव ग्रे हेयर तो मैं कलर को रूट से अप्लाई करूंगी आई एम ट्राइंग टू कवर ऑल ऑफ माई हेयर यू नो एवरी सिंगल स्टैंड सो जहां पर भी ग्रे हेयर है वो उसे भी कवर हो जाएगा आई होप ये कलर ग्रे हेयर को कवर करेगा कलर ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है एंड वी आर डन गाइज फ्रंट में बहुत अच्छा कलर लगा है पर पीछे के बालों पर मेरे कुछ ज्यादा ही गंजूसी करती है आई कैन ऑलरेडी सी माई हेयर डोनिंग लिटिल रेडिश एंड वी हैव टू कीप इट फॉर फोर्टी फाइव मिनट आर यू एक्साइटेड यू कैन सी दैट फेस आई लव इट आई रियली लव दैट कलर एंड फॉर सम रीजन मेरे कैमरा में ये कलर बर्गंडी दिख रहा है तो अटमी स्टाइल माई हेर एंड आई विल शो यूट टू यू ऑन माई फोन टू गाइज दिस इज द एग्जैक्ट हेयर कलर लुक सो प्रिटी आई रियली लव इट इट इज नॉट बर्गंडी थोड़ा सा रेडिश है एंड प्लम कलर है कैमरा पर यह काफी अजीब दिख रहा था सो आई चेक माई हेर आई कैन स्टिल सी सम ग्रे एंड व्हाइट हेयर पहले से कम दिख रहे हैं पर आई कैन सी इट सो ग्रे कवरेज के बारे में नॉट श्योर नॉट हंड्रेड परसेंट हैप्पी माई हेयर फिल्स डैमेज फ्री एंड सॉफ्ट विच इज गुड लेट्स टॉक अबाउट हाउ लॉन्ग लास्टिंग दिस हेयर कलर इज मैं इस वीडियो को काफी काफी लेट एडिट कर रही हूँ सो थैंस टू माई स्लो एस एंड बीज इज स्केच यूल आई कैन शो यू हाउ माई हेयर लुक्स आफ्टर फाइव वॉशेस वालों को पांच बार वॉश करने के बाद प्लम कलर इज ऑलमोस्ट गॉन आई कैन बेयरली सी एनी प्लम इज लुकिंग बर्गंडी एंड लिटिल ब्राउनिश जो भी ब्राउनिश कलर दिख रहा है वो शायद पुराना वाला ब्राउन कलर होगा सो इट्स नॉट लॉन्ग लास्टिंग दैट्स डिसअपॉइंटिंग So that is all, guys. I think I will need to color my hair once more. So should I go with an exciting color this time or should I stick to my natural color? Let me know.